हेलो गाइस, तो फिर से आपके नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे। उस वीडियो में आप लोग को बताया था कि यूट्यूब चैनल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा प्रैक्टिकली के साथ समझाया हूँ कि उसमें जीमेल आईडी अपना कैसे बनाना है और उसमें जो यूट्यूब सेटिंग होता है उसमें कैसे आप लोग को सेटिंग के साथ अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो यहाँ पे आई बटन में शो करेगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मान लीजिए आप तो यूट्यूब चैनल बना लिए, क्रिएट कर लिए, उसमें सेटिंग भी कर लिए, लेकिन आपको पता नहीं कि उस पर वीडियो अपलोड कैसे करें। तो गाइज, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है, और आप लोगों को मैं इसमें टैग टाइटल हर एक चीज जो लगता है थंबनेल वो लगा के दिखाऊंगा और लाइव प्रूफ भी बताऊंगा कि अपने वीडियो को कैसे अपलोड करना है जिससे आपके वीडियो पे अच्छा खासा व्यू जाए। बहुत ऐसे यूट्यूबर आप लोगों को बताए होंगे कि वीडियो ऐसे अपलोड किया जाता है, लेकिन आप लोगों को वो नहीं बताऊंगा कि टैग और टाइटल सही तरीके से कैसे आप लगा सकते हैं। और आपका नया चैनल है तो टैग टाइटल आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने वीडियो को वायरल करने में। तो आप भी जानना चाहते हैं कि अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड कैसे करें तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले तो अपने YouTube को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका चैनल है, यहाँ पे मेरा ये चैनल मैंने कल इसको बनाया था तो इसको मैं पहले सेलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते प्लस का निशान है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना। वीडियो पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका वीडियो है यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आपका कोई भी वीडियो, मेरा ये ब्लॉग वीडियो है तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे टाइटल लिखने का, तो आपको यहाँ पे टाइटल नहीं लिखना है, आपको टाइटल नहीं लिखना है, इसको अनलिस्ट में अपने वीडियो को अपलोड कर देना। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है ऊपर, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ से अपलोड करना, और अपलोड करने के बाद आपको इस ऐप को बंद कर देना, यानी इस ऐप को आपको नहीं ओपन करना है, यूट्यूब को यहाँ पे छोड़ देना। उसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है YT स्टूडियो। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना। मैं पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना YT स्टूडियो को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो अभी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको टाइटल लगाना है, और जो भी आपका मतलब वीडियो, जैसे मेरा वीडियो का टाइटल है माय फर्स्ट ब्लॉग, यानी मेरा वीडियो का टाइटल है जैसे फर्स्ट ब्लॉग, यानी मेरा ये पहला अभी वीडियो है, इस पे ब्लॉग वीडियो अपलोड किया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे माय फर्स्ट ब्लॉग। तो आपको क्या करना है कि अपने जो टाइटल है आपको जाना है यूट्यूब पे, यानी फिर से आपको एक और बार जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है माय फर्स्ट ब्लॉग। माय फर्स्ट ब्लॉग सर्च करने के बाद यहाँ पे जो भी फर्स्ट में और मतलब जो भी आ रहा है इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से आना है और अपने टाइटल में यहाँ पे लगा देना, और जितना भी यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है उसको आपको क्या करना है कि एक लिख लिख के रख लेना है, वो अपने टैग में और डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। इससे क्या होगा कि अपने टैग और डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे तो आपका वीडियो जो है ना वो सर्च लिस्ट में आएगा, और आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा तो आपके वीडियो को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसको क्या करना है कि अभी आपका नया चैनल है तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कुछ कीबोर्ड लगाना है। तो कीबोर्ड लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग मतलब टाइटल को टैग को सही तरीके से लगा लेना है, और सही तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक फोटो भी सेलेक्ट कर लेना, जैसे अपना थंबनेल भी एक लगा लेना। जैसे मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो यहाँ पे मैं अपना एक थंबनेल लगा लेता हूँ। यहाँ पे थंबनेल लगाने के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को अनलिस्ट में ही अभी रखना है, यानी वीडियो को अभी अनलिस्ट में ही रखना है, अनलिस्ट में अपलोड कर देना है वीडियो को, यानी अनलिस्ट में उसको अपलोड करना है, अभी पब्लिश नहीं करना है। और पब्लिश करना है आप लोग को 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको अपने वीडियो को पब्लिश करना है। और पब्लिश करने के बाद आप लोग को क्या करना है कि जैसे जो भी इसका टाइटल है अपने फ़ोन में आप लोग को 2-3 ID बना लेना है, क्योंकि अभी तो आपका नया चैनल है, अभी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपने साथ मैं भी खुद मैं ये चीज़ आजमाया हूँ और आप लोग को यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। इससे आप लोगों को यही बेनिफिट होगा कि मान लीजिए आपने मोबाइल में 2-4 ID बनाए तो जो भी इस वीडियो का टाइटल है आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जाना है यूट्यूब पे, वहाँ पे सर्च करना है अपना टाइटल दूसरे ID से, मतलब उस ID को छोड़ देना है, दूसरे ID को जो आपका नया चैनल है तो उस ID को छोड़ देना है, दूसरे ID को आपको बना के उस ID पर सेलेक्ट करना है। वहाँ पर सेलेक्ट करना है, सर्च करना है माई फर्स्ट ब्लॉग, और देखना है कि आपका वीडियो किस नंबर पर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे कोने में 3 डॉट पे फिल्टर पे क्लिक करके और वहाँ पे अपना नाम भी वहाँ पे लिख सकते हैं, और 1 घंटा का वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या होगा कि आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आ जाएगा। आएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि उस वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, 1-2 बार मतलब उस वीडियो को रिफ्रेश कर करके फुल वॉच कर लेना है 2-3 ID से। उसके बाद आपके घर फैमिली में 2-4 फोन होगा, उनके भी फोन में 1-2 बार सर्च करके देख लेना, और देखने के बाद आपको वीडियो को छोड़ देना है। और कल होकर आपने वीडियो को देखना है, उस वीडियो पर ऑटोमेटिक व्यू जाने लगा, यानी यूट्यूब उसको आगे भेजने लगा। तो आप लोग को ऐसे ही वीडियो अपलोड करना है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया हो कि अपने वीडियो को अपलोड कैसे किया जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड
अपलोड कैसे करें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए गाइस, आज का हम वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए सो थैंक यू सो वेलकम, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।